देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस दिन पर दिन जनता का भरोसा खोती जा रही है। इसका जीता जागता उदाहरण हम सभी ने पंजाब में देखा। 5 साल में कांग्रेस ने पंजाब के किसी एक मुद्दे पर भी काम किया होता तो शायद आज नौबत वहां से बोरिया बिस्तर उठाने की ना। लेकिन कांग्रेस आलाकमान को विदेशों में पार्टी करने से फुर्सत मिले तब इस बारे में सोचा भी जाए। पिछले कुछ सालों में कांग्रेस काफी कमजोर हुई है, खासकर साल 2014 के बाद से। नरेंद्र मोदी जब से देश के प्रधानमंत्री बने तब से मोदी लहर के आगे सब फीका पड़ता चला गया। कुछ तो मोदी मैजिक चला और कुछ कांग्रेस ने ऐसी गलतियां कर डाली कि उसका सूपड़ा साफ होता चला गया। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि पीएम मोदी शायद कांग्रेस को बर्बाद करने ही आए थे। खैर, वक्त रहते कांग्रेस ने अगर इन गलतियों को अभी भी नहीं सुधारा तो समझ लीजिए कि वो विपक्ष में बैठने लायक भी नहीं रहेगी। और सब जानते हैं जितनी जरूरी इस देश को चलाने के लिए सरकार है उतना ही जरूरी मजबूत विपक्ष भी। फिलहाल कांग्रेस के पास 1 साल का वक्त है। दरअसल साल 2023 में 9 राज्यों में चुनाव होने हैं। ऐसे में राजस्थान और छत्तीसगढ़ सिर्फ 2 राज्य ऐसे हैं जहां पर कांग्रेस की सरकार है, तो 2023 में ये उसके पास बचेंगे या नहीं इस पर भी सभी की निगाहें हैं। लेकिन हाँ, अगर ये गए तो समझिए कांग्रेस भी गई। कांग्रेस को आत्ममंथन करने के साथ साथ ये भी समझना होगा कि उसने कौन कौन सी गलतियां की हैं। सबसे पहली गलती परिवारवाद। अब इसका मतलब ये नहीं कि बीजेपी, एसपी, बीएसपी या बाकी किसी पार्टी में परिवारवाद नहीं है, है लेकिन उतना नहीं जितना कांग्रेस में। अनऑफिशियल हेड होते हुए भी कांग्रेस मतलब राहुल गांधी ही क्यों समझ आता है? हेड होने के बावजूद सोनिया गांधी क्यों नजर नहीं आती? 2022 विधानसभा चुनावों में किसी बड़े चेहरे को आगे करने के बजाय मौका दिया भी तो किसे? प्रियंका गांधी को, जिन्हें कुछ महीनों पहले तक इंटरेस्ट भी नहीं था और अनुभव तो है ही नहीं। खैर, सिर्फ परिवारवाद ही नहीं, मुद्दों की बात कर लीजिए। जिस वक्त कांग्रेस को जमीनी स्तर पर काम करना होता है उस वक्त राहुल गांधी विदेश चले जाते हैं, पार्टियां करते हैं, फिर वापस आकर ट्विटर पर एक आधा पोस्ट कर देते हैं और बात खत्म। अगर आप वाकई कोई बात रखना चाहते हैं तो उसे खुद तो पुरजोर तरीके से उठाना ही होगा, लेकिन नहीं, कांग्रेस ऐसा नहीं करती। अब देखिए, साल 2014 से लेकर 19 तक मोदी सरकार ने ऐसे कई फैसले लिए जिनको कांग्रेस भुना सकती थी, लेकिन कांग्रेस ने क्या किया? सिर्फ ट्विटर की राजनीति। तीसरी बड़ी गलती है मीडिया से दूरी बनाए रखना। वैसे तो पूरे विपक्ष को लगता है कि मीडिया बिकाऊ है और मोदी सरकार के पक्ष में खबरें चलाता है। ऐसे वक्त में क्या राहुल गांधी को उन चैनल्स को इंटरव्यू नहीं देना चाहिए जो उनकी नजर में गोदी मीडिया की कैटेगरी में नहीं आते? अगर किसी को इंटरव्यू भी नहीं देना तो वो खुद किसी मुद्दे पर वीडियो बनाकर लाइव आकर लोगों से रूबरू हो सकते हैं, उनकी परेशानियों को उठा सकते हैं। खैर, चौथा बड़ा कारण है कांग्रेस ने कई राज्यों में सरकार तो बनाई लेकिन उन राज्यों में ऐसा काम नहीं किया जिससे बाकी राज्य सीख सके। शायद किसी एक राज्य को अच्छे से विकसित किया होता तो उसकी हालत इतनी खराब ना होती। चुनावों में वो धड़ल्ले से कह सकते थे कि हमने इस राज्य के लिए ये काम किया, पर ऐसा भी कुछ नहीं है। कांग्रेस की डूबती नैया का एक और बड़ा कारण है, ये कारण है कांग्रेस के अंदर की कलह। दरअसल एक G23 ग्रुप है जिसमें कांग्रेस के ही वरिष्ठ नेता शामिल हैं और ये कांग्रेस के नेतृत्व को बदलने की मांग कर चुके हैं। कांग्रेस के डूबने का एक और कारण है और वो ये कि वो किसी को भी जाने से नहीं रोकती, फिर चाहे सिंधिया हो, आरपीएन सिंह हो, कपिल सिब्बल हो, अमरिंदर सिंह हो। बड़े बड़े नेताओं का जाना मतलब पार्टी का कमजोर होना और ये कांग्रेस को समझना होगा। दूसरी तरफ बीजेपी ऐसे नेताओं को न सिर्फ हाथों हाथ लेती है बल्कि उनका उचित सम्मान भी करती है। खैर, कांग्रेस लगातार कुछ गलतियां कर रही है या हो सकता है वो ये भी मान बैठी है कि मोदी लहर के आगे कांग्रेस का कुछ नहीं होने वाला। अब देखना होगा साल 2023 कांग्रेस के अच्छे दिन ला पाता है या नहीं। आपका इस खबर पर क्या कहना है कमेंट करके हमें जरूर बताएं।